आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टी एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, कमोडिटी, ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा सपोर्ट रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेंड कीजिए, क्योंकि कुछ ट्रेडर वो खुद से करना चाहते हैं और वो डायरेक्ट कंपनी के अंडर हो जाते हैं, तो आप लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगा फ्री कॉल्स के। तो अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन सा कॉल प्रोवाइड किया, चलिए उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये आस्था एक्टिव मेंबर ग्रुप है, एशियन पेंट फ्यूचर। एशियन पेंट फ्यूचर पहले बाय साइड एग्जीक्यूट हुआ था और बाय साइड एग्जीक्यूट होकर स्टॉप लॉस हिट होगा। सेकेंड टाइम हमने एशियन पेंट फ्यूचर को सेल किया और फोर्थ टारगेट डन, और यहाँ पर जो लॉस हुए थे वो लॉस रिकवरी होके प्रॉफिट भी मिल गया। और कोटक बैंक फ्यूचर सेल सेकंड टारगेट डन, 27,400 कॉल सेल सेकंड टारगेट डन, ये ऑल टारगेट हो गया, जीरो हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेकंड टारगेट तक ही अपडेट किया। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं माइंट्री फर्स्ट टारगेट डन, बोल्टर्स फर्स्ट टारगेट डन, नेक्स्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर फर्स्ट टारगेट डन। ये सारे कॉल्स मैंने प्रोवाइड किया था और जितने कॉल भी मैंने प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट को, ऑल कॉल टारगेट हो गया। तो आप लोग भी अगर मेरी चुवास्ता ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको भी ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे। कौन सा कॉल प्रोवाइड किया, चलिए उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये आस्था एक्टिव मेंबर का ग्रुप है, एशियन पेंट फ्यूचर। एशियन पेंट फ्यूचर पहले बाय साइड एग्जीक्यूट हुआ था और बाय साइड एग्जीक्यूट होकर स्टॉप लॉस हिट होगा। सेकंड टाइम हमने एशियन पेंट फ्यूचर को सेल किया और फोर्थ टारगेट डन, और यहाँ पर जो लॉस हुए थे वो लॉस रिकवरी होके प्रॉफिट भी मिल गया। और कोटक बैंक फ्यूचर सेल सेकंड टारगेट डन, 27,400 कॉल सेल सेकंड टारगेट डन, ये ऑल टारगेट हो गया, जीरो हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेकंड टारगेट तक ही अपडेट किया। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं माइंट्री फर्स्ट टारगेट डन, बोल्टर्स फर्स्ट टारगेट डन, नेक्स्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर फर्स्ट टारगेट डन। ये सारे कॉल्स मैंने प्रोवाइड किया था और जितने कॉल भी मैंने प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट को, ऑल कॉल टारगेट हो गया। तो आप लोग भी अगर मेरी चुवास्ता ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको भी ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे। फिर से जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग को ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन चारों स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे, बाय एंट्री लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, सेल एंट्री लेवल के नीचे हमें सेल करना है। अगर बाय एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो सेल एंट्री लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर सेल एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाय एंट्री लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।